बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट मैं कॉन्टेंट क्रिएटर बना मेरे दिमाग में था मुझे बिजनेसमैन बनना है ठीक है स्टार्टिंग मैंने किया था ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हाँ मुझे इससे बिजनेस क्रिएट करना है बट मैं बन गया पूरा कॉन्टेंट क्रिएटर और फिर धीरे धीरे मैंने ना लाइफ में चेंजेस ला के मुझे लगा मुझे बिजनेस क्रिएटर बिजनेस बिजनेस मैन बनना है और ये जर्नी जो थी ना कॉन्टेंट क्रिएटर से बिजनेस बनने की मुझे लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है <laughs> पहले ना आप आप मेरे वीडियोज देखना मैं पहले वीडियोज बनाता था मैं सबको सबको बिजनेस करना चाहिए धंधे में घुसो ये वो मतलब बहुत ना था मैं कि रे <laughs> सबकी लग रहा था बट अब जब 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 मैं बिजनेस करा मुझे रिलाइज इट्स वेरी वेरी टफ जब हमने मतलब स्टार्टअप स्टार्टअप की मैंने वीडियोज़ बनाना चालू किए थे तब शार्टिंग आर्टिंग मतलब कुछ इतनी इज्जत नहीं थी तब मैं मोटिवेट कर रहा था लेकिन अब मुझे लगता है मैं थोड़ा पीछे हो रहा हूँ अब मैं थोड़ा पैसिमिस्टिक हो रहा कि सबको बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी जान रहा हूँ कि यार इसमें कितनी मगजमारी होती है तो इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये कि भाई आप आप बताओ कि आपको क्या लगता है कॉन्टेंट क्रिएशन और बिजनेस इन दोनों में कितना डिफरेंस है क्या है कैसा माइंड चाहिए क्या क्योंकि मुझे लगता है काफी डिफरेंट है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है आजकल के हर क्रिएटर ऑन बनना चाह रहा है हाँ। और हर ऑनतोपेनो क्रिएटर बनना चाह रहा है राइट एग्जैक्टली हाँ राइट जो इन्वेस्टर्स हैं शार्क हैं या फिर से बिजनेस फाउंडर्स हैं स्टार्टअप फाउंडर्स हैं सब कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। सबके मेरे पास कम्युनिकेशंस हैं हैं हाँ। कि भाई कैसे हम इसको बड़ा कर सकते अब सिमिलैरिटीज की बात करें ना तो आई वुड से दो अलग गेम्स है दो अलग फील्ड्स हैं राइट right? आप कॉन्टेंट क्रिएशन के अंदर अगर हो तो पहला फोकस इस चीज़ पर रहे कि आप उसी को अगर बड़ा करते हो मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझे लगती है पर्सनली वो है बच्चन राइट right? अगर अमिताभ बच्चन या से शाहरुख खान ये लोग क्रिएटर हैं राइट दे आर्टिस्ट हैं इन्होंने अपने आर्ट को उस लेवल पे ले गए कि उनके पैसिव इनकम्स भी वहीं से बनी सेकेंड मतलब अगर आप दस साल पहले भी अमिताभ बच्चन काम छोड़ देते तो ऐसा नहीं था कि वो ज़ीरो पे होते बट दे दे वर इन द जर्नी उन्होंने आर्ट चूज़ किया उन्होंने क्रिएशन चूज़ करी तो उनको एज तक वो करना है बहुत हाँ हो गया। हो गया। मतलब एक जगह आपको जाना है तो आपको एक करोड़ की पेमेंट हो जाएगी अपनी प्रेजेंस के लिए राइट उस लेवल का ब्रांड बिल्ड कर लिया तो जैसे रॉबर्ट क्योस्की का वो साइकिल है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को मैं इसको साइकिल को थोड़ा चेंज करता हूं उसने क्रिएटर नहीं बोला क्योंकि तब होते नहीं थे बट जरूरी नहीं है कि आप आप क्रिएटर हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो ही राइट अब जरूरी नहीं है उसके बाद आप ऑन्टरप्रिनर बनो सब कुछ ऑटोमेट करो डेलीगेट करो चार स्टार्टअप चलाओ फिर आप इन्वेस्टर बनो आप क्रिएटर से इन्वेस्टर भी तो बन सकते हो डायरेक्टली आप अपनी क्रिएशन को उस लेवल पे ले जाओ कि आपकी एक ब्रांड डील का साइज ही बहुत बड़ा बढ़ाओ right. आप अपनी क्रिएशन को उस लेवल के ले जाओ कि आपको जब लोग स्टेज पे बुलाएं तो वट यू वॉन्ट टू पे

क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना क्रिएटर का एक नेगेटिव है एक ड्रॉबैक है सबके लिए है कि अगर आप चाहते हो एक दिन ऐसा हो कि काम खुद से चल रहा हो और मैं रेस्ट कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे इनकम ठीक है तो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और उस पैसे पर रिटर्न आ जाएगा जो आपने जोड़ लिया बट ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमेट हो जाएगा बिकॉज ये आपके फेस से चल रहा है अमिताभ बच्चन का पीक अर्निंग तब तक रहेगी जब तक वो खुद ग्राउंड पे रहेंगे right. बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स right. right? right. so चूज किया है तो फिर ये मत बोलो यार काम करना पड़ रहा है ऐसा भी नहीं होता पैसा खुद से आ जाता एंड हाँ हाँ. अगर आप चाहते हो ऐसा दिन कि यार एक दिन मेहनत ना करनी पड़े चीजें ऑटोमेटेड हो चार जगह चल रही हो मेरे को एक से रेवेन्यू उधर से रेवेन्यूज आ रहे हो सिस्टम्स बिल्ड कर दूं प्रोसेसेस बिल्ड कर दूं प्रोडक्ट ऑटोमेट कर दूं मार्केटिंग तो आप ऑन तो पिनोर हो

गागा वर्ल्ड हाँ हाँ। लेकिन आप ऑनस्ट होना ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें देख के लोग समझते हैं कि इस जर्नी पे जाना है कि नहीं जाना राइट एक्सैक्टली exactly. नहीं मैं इसलिए शेयर भी करना चाहता इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरा स्टोरी की स्टार्टिंग में तो दोनों चीज मुझे लगता है करना ही नहीं चाहिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए क्या ओपिनियन जरूर बताना इसके ऊपर कि एक साथ है ना दोनों चीज क्रैक करना बहुत मुश्किल है पहले अगर मतलब करना भी है ना तो पहले एक चीज़ को अच्छे से क्रैक करो मैंने जब स्टार्ट किया था तो हर चीज़ मैं करता था मतलब एनिमेशन और या हर एक चीज़ मैं कर रहा था बट फिर मैंने धीरे धीरे टीम हायर किया एनिमेशन पार्ट हटाया हर एक चीज़ हटाया मेरा काम से इतना रह गया कि मैं स्क्रिप्ट और अपना रिकॉर्डिंग पर ध्यान दूँ तब जाके मेरे पास टाइम मिल पाया कि मैं बिज़नेस पर फोकस करूँ और वो मिलने के बाद भी लेकिन बहुत चैलेंजिंग है फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं और फोकस यहाँ पर ज़्यादा चाहिए बिल्ड करने के लिए और बात ये ना कि मुझे एक और चीज़ भाई रियलाइज हुई है कॉन्टेंट क्रिएशन ना बिजनेस में ना माइंड का भी बहुत डिफरेंस है कंटेंट क्रिएटर्स है ना ऐसे होते हैं मतलब हवे में हम लोग का हवे में रहना पड़ता है अगर क्रिएटिव रहना है तो कभी ये भी है वो भी है दुनिया सब चीज हवे में चल रही है <laughs> आइडियाज भी हवे में आ रहे हैं उसके ऊपर आइडियाज बन रहे हैं अपोजिट exactly है आपको पूरा पेपर पे, पे आना पड़ेगा आपको पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर्स पे आना पड़ेगा तो वो ट्रांजिशन भी मेरे लिए ना बहुत चैलेंजिंग रहा है आपको ऐसा कुछ के ऊपर कुछ एक्सपीरियंस है, और ये बड़े अच्छा आपने थॉट शेयर किया शायद कभी डिस्कशन में नहीं आया लेकिन मैं फील करता हूँ इसको हाँ कॉन्टेंट क्रिएशन वाला जो मेरा अवतार है उसके बड़े नखरे हैं नखरे मतलब वो सुबह उठ के क्रिएटिव होता है हाँ राइट है। उसके फोकस जोन होते हैं अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एग्जॉस्टेड हूँ रात को तीन बजे फ्लाइट मेरी लैंड करी और अगले दिन सुबह सात बजे उठा तो मैं कुछ बढ़िया क्रिएट नहीं कर पाता हूँ और मेरा जो ऑन्टोप्रेनरशिप वाला पोजिशन है वो मैं कभी भी कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ डेटा है लर्निंग है फंडामेंटल्स हैं तो उसमें मेरी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए तो ये दो बहुत अलग हैट्स हैं

पाँच छः साल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली जो मैं अपनी मैं इस कॉन्टेंट क्रिएशन को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से मेरे पूरे एस होते हैं के पी होते हैं तो जितना इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत कम क्रिएटर्स कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बट uh, मेरा बहुत एक्सेल पे नोशन पे चीज़ों पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है बस क्रिएटिव काम जो है उसको आप बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं कर सकते बहुत वो मेरे पास रहता है कि अल्टीमेटली जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं इस हफ्ते मुंबई में रुक गया हुँ. तो ऐसा नहीं था मेरा वापस जाने के बिना काम रुक रहा है तो कंटेंट पे कुछ रिव्यू कर लिया कुछ देख लिया कुछ पढ़ लिया कुछ आइडिया सोच लिया चलता रहेगा वापस जाके शूट कर लूंगा लेकिन एक चीज़ है ना भाई कंटेंट क्रिएशन का ये चीज़ मैंने नोटिस भी करी और रियलाइज भी करी है पीक से ना बहुत रेयरली आता है कंटेंट क्रिएशन में और फिर जो लोज होते हैं वो कई बार बहुत लोज होते हैं मैंने एक वीडियो भी देखा था इसके बारे में और चीज़ मुझे सही लगी क्या जब ना आपका अगर ना कॉन्टेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ना तो आपको कुछ तो सस्टेनेबल आजू बाजू में कर लेना चाहिए जैसे आपने बोला या तो बिज़नेस कर लो बिजनेस थोड़ा मुश्किल है तो आप इन्वेस्टमेंट करके रखो एक ना मतलब अपने आपको सेव करके रखो क्योंकि हर सिमिलर टाइम नहीं होगा जैसे कि अगर आप फ्लक्चुएशन बहुत है अगर आप एक महीने में दस लाख कर रहे हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आप तीन लाख पे भी आ जाओ तो आपका पूरा सिस्टम हिल जाए तो इसीलिए ना मुझे भी ये चीज़ इसीलिए भी लगी कि मैं बिज़नेस की तरफ मैं भी इसलिए और अट्रैक्ट भी होते क्या कि यार थोड़ा और सस्टेनेबल चीज़ों को करना है इतना ज़्यादा हवे ऊपर नीचे ना रहे चीज़ें तो इसलिए बिज़नेस करना ज़रूरी है और जब आप हाई हो मतलब जब आपका अच्छा टाइम आता है तो साइड में आप कुछ और चीजें भी ट्राई करके एटलीस्ट रखो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम या फिर अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करो जो आजकल लोग ट्राई भी कर रहे हैं इसके ऊपर भाई आपका क्या ओपिनियन है मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना क्रिएटर्स को सीखनी चाहिए मीडिया एंड बॉलीवुड वर्ल्ड से क्योंकि वो लोग इस जर्नी पे पचास साठ साल से हैं जिस जर्नी में पिछले पांच सात साल से हैं राइट राइट कई सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने पीक पे कुछ ना कुछ साइड इन्वेस्टमेंट्स या साइड हसल्स या साइड बिजनेसेस करे किसी ने रेस्टोरेंट बना लिया किसी ने प्रोडक्शन हाउस बना लिया किसी ने एक स्टूडियो बना दिया इस तरह की कई चीज़ें करी तो उनके करियर कभी भी उनके पीक और लो पे डिपेंडेंट नहीं हुए उन्होंने फिर रोल्स बहुत चूज़ करके लिए ऐसा नहीं है कि अब पैसे की नीड है तो कोई भी रोल करूँगा एट द सेम टाइम बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पीक पर कोई मॉनिटरी सेविंग नहीं करी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी और फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े एक पीक लाइफ ग्लैमरस लाइफ से आज वो बड़े ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल पर आ गए हैं उनको उनको देख के पता चलता है कि दे आर ट्राइंग कि जो मिल जाए वो हम कर लेंगे तो क्रिएटर्स तो भी नए नया दौर है हमें उनसे सीखना चाहिए कि जब हमारा पीक है कि भाई अब तो तब तो फ्लैम पॉइंट होने की जगह कि अब मेरी महंगी से महंगी घड़ी हो महंगी से महंगी गाड़ी हो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर हुसन हमेशा नहीं रहेगा तो जो अपनी स्किल है जो अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन है वो हमेशा बरकरार रहने चाहिए बिल्ड करके रख लेना चाहिए अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल